हेलो एंड वेलकम टू ओवर व्यू स्टडी आई एस तो दोस्तों सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं तो दोस्तों करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट सिक्स पी की क्लास लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कम से कम अपने तीन दोस्तों को शेयर करना होगा दोस्तों करंट अफेयर सीरीज एट 6 पीएम के तीन लेवल हैं अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये 100 परसेंट गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करेंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं तो दोस्तों हमारा जो तीन लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या तीन लेवल होगा तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ एम सी इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें पांच सब्जेक्ट वाइज का क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 पीएम पर मिलेगा ये हमारा फर्स्ट लेवल है सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ एम करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें हमको आपको क्यूज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर पूरा वीक का इसमें डिस्कशन डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा ये भी एवरी संडे को छः पी पर मिलेगा और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए तो इसमें है नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज इकोनॉमी स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सन न्यूज सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिशलिनियस ये सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100 परसेंट क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे कंड और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ और इस सब को रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम जानते हैं कि जब भी हम रीडर कर, पढ़ाई करते हैं 25% जो भी घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है तो रिवीजन के पर्पस से हम किन वीकली करंट अफेयर्स लेके आएंगे जो वीक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 पीएम पर मिलेगा ये तीनों लेवल हैं प्रीमी के लिए राम बाढ़ है कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए राम बाढ़ है आप बी पी दे रहे हो पी दे रहा हो अब बी पी एस सी दे रहे हो आर ओ आर ओ का दे रहे हैं सभी एग्जाम के लिए राम बाढ़ है।, है।, है तो दोस्तों हमें कहें कि तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए जिसके लिए आप कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है आपका टेंशन फ्री होके आप पढ़ाई कीजिए बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर स्विच है क्लास आपका स्वागत है करंट अफेयर क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन इज रेफरेंस टू ड्राई पोर्ट पोर्ट्स इन इंडिया द फॉलोइंग स्टार्टमेंट यहाँ ड्राई पोर्ट की वर्ड है इसको याद कर लीजिए ड्राई पोर्ट देखिये देखिए हमारा एक ही टारगेट है कि जब ये पांच क्वेश्चन खत्म होके तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए तब तो ये करंट अफेयर आपके दिमाग में पांच क्वेश्चन का तैयार होना चाहिए अगर नहीं तैयार हो रहा है तो आप बार बार तैयार कीजिए क्यों कि एग्जाम के टाइम पर आपके पास बहुत सारा प्रेशर हो जाएगा और आप छोटे छोटे की जो हैं भूल जाएंगे इसलिए यही कोशिश कीजिए कि पाँच क्वेश्चन तैयार हो जाए ठीक फर्स्ट स्टार्टमेंट इट प्रोवाइड लॉजिस्टिक फैसिलिटी अवे फ्राम सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट फार कार्गो हैंडलिंग तो आप ये ड्राई पोर्ट क्या होता तो है ड्राई मतलब हम जानते हैं कि कोई चीज़ सूखा हुआ जहाँ पानी ना हो तो ऐसा पोर्ट जो ज़मीन पर बनाया गया हो जमीन में बनाया गया हो मतलब कि इनलैंड में ठीक लैंड पर बनाया गया पोर्ट समुद्र के किनारे या नदी किनारे नहीं बनाया गया है ठीक ये बनाया गया है सब सीधे अब तक हम पोर्ट सुनते थे कि पोर्ट पोर्ट जो होता है बंदरगाह जो होती है वो समुद्र के किनारे होता है लेकिन नहीं ये ड्राई पोर्ट उसकी बात का जो जमीन पर बनाया गया था अब इसमें आप खुद सोचिए कि तो ये कहाँ से रहेगा तो अब ये समुद्र सी पोर्ट और एयरपोर्ट से बाहर रहेगा ठीक तो ये करंट स्टार्टमेंट है इट नॉट हैंडल कस्टमर्स क्लियरेंस प्रोशिड्यूल तो कस्टमर क्लियरेंस प्रोड्यूस तो करना ही इसीलिए तो इसको बनाया गया है ठीक ना तो ये नाट नहीं होना चाहिए इनकरेक्ट है राजस्थान है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्राई पोर्ट नहीं राजस्थान के पास मैक्सिमम नंबर नहीं है अब तमिलनाडु और करनाट हरियाणा के पास मैक्सिमम में ड्राई पोर्ट है।, है।, है तो हाउ मैनी स्टार्टमेंट आर डिवेंट एब आर करेक्ट इसमें कितने स्टार्टमेंट करेक्ट हैं तो इसमें से केवल आप देखेंगे तो ओनली वन यानी ए ओनली वन इज करेक्ट स्टार्टमेंट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो बिहार इंडस्ट्रीज़ में बिहार में हाल ही में एक जो वहाँ के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं नीतीश मिश्रा जिसको याद कर लीजिए नीतीश मिश्रा कैसे याद होगा तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं यहाँ पर नीतीश मिश्रा की बात हो रही है तो दोनों को याद कर लीजिए पर वो बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर पूछ देगा किस मिनिस्ट्री के द्वारा तो इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया कौन क्या किया गया है फर्स्ट ड्राई पोर्ट बनाया गया बिहार में अब सोचिए बिहार में फर्स्ट ड्राई पोर्ट बनाया गया तो अब इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना कितना आसान हो जाएगा तो हर चीज़ यहाँ से अब एक्सपोर्ट होगी जो बिहार के और इकोनॉमी में उस बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सहायता करेगी ठीक है ना इसका वह अगर ये सक्सेस हुआ तो बहुत ही लाभ मिलेगा बिहार को तो ये ड्राई पोर्ट इन लैंड कंटेनर डिपोर्ट आई सी डी प्रोवाइड लॉजिस्टिक फैसिलिटी फ्राम अवे सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट सबको मालूम है जब वो लैंड पर बनाए जमीन पर बनाए तो ये फैसिलिटी कहाँ पर मिल रही है यानी सी पोर्ट और एयरपोर्ट से तो दूरें मिल रही है ना फिर कार्गो हैंडलिंग स्टोर ट्रांसपोर्ट के लिए काम आएगा तो सी पोर्ट क्या होता है उसका काम है स्टोर करना ट्रांसपोर्ट करना किसको कार्गो को ठीक इट और ये किस काम करेगा जो गैप बन गया है जो बीच का तो एक ब्रिज का, का काम करेगा जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने बिटवीन एयर और सी एयर और सी पोर्ट के और इनलैंड के पोर्ट को जो रीजनल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा उसके गैप को भी फिलफिल -फिल कर देगा एक ब्रिज का, का काम करेगा तो फर्स्ट स्टार्टमेंट करेक्ट है ठीक और यहाँ पर क्या क्या बिहार में जो उत्पन्न होता है प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो फ्रूट वेजिटेबल सच पोटैटो टमाटो बनाना लीची लीची तो बिहार के बहुत फेमस है मखाना मखाना जी आई मिला है ये बहुत फेमस है बिहार का मखाना ठीक ना तो ये सब एक्सपोर्ट होगा सेकेंड स्टार्टमेंट इनकरेक्ट क्यों कि इसको हैंडलिंग हैंडललेस हैंडलेस कस्टमर केयर टू रिड्यू दसाइजिंग एट द सी पोर्ट एयरपोर्ट हैंकेंड इनकरेक्ट ठीक ना क्योंकि वहाँ पर नॉट था हाफ अप्रैल 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू यानी अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड दो हज़ार बाईस का ये रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा ड्राई पोर्ट तमिलनाडु और हरियाणा में है जितना है ग्यारह ड्राई पोर्ट है ठीक ना राजस्थान में नहीं तो थर्ड स्टेटमेंट इन भी इनकरेक्ट था तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए ठीक ना ये बहुत ही ड्राई पोर्ट ये भी पक्का एग्जाम में पूछेगा बी पी में तो हंड्रेड परसेंट ही पूछेगा क्योंकि एक बी बिहार के लिए एक नया चीज़ होने वाला है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर का विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के बारे में बात कर रहा है कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की बात कर रहा है यहाँ पे की वर्ड यही है वैसा कुछ नहीं तो आपको जब भी स्टेटमेंट ऐसा मिलेगा तो आप की वर्ड पर ध्यान दीजिए आपका सही हो जाएगा द आल इंडियन एवरेज मंथली इनकम एग्रीकल्चर हाउस होल्ड दो हज़ार इक्कीस से दो हज़ार बाईस वे लेस दैन द नन एग्रीकल्चर रूरल हाउस होल्ड यह रूरल रूरल की बात कर रहा है अर्बन की नहीं ग्रामीण का एग्रीकल्चर कहाँ पर होता है ग्रामीण में होता है तो यहाँ पर बता रहा है कि आ, आल इंडिया का जो एवरेज मंथली इनकम है ऑफ एग्रीकल्चर हाउस हाउस होल्ड दो हज़ार इक्कीस बाईस के अनुसार यहाँ पर क्या हुआ लेस हो गया है एग्रीकल्चर इनकम हाउस होल्ड का जो कि नन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है एक, बोल रहा है विद तीन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेशन एनिमल हस्बेंड्री टू टोटल इनकम इन दो हज़ार इक्कीस से, से, से दो हज़ार बाईस डिक्रीज फ्राम द दो हज़ार सोलह सत्रह यहाँ पर बोल रहा है दो हज़ार इक्कीस बाईस में जो इनकम थी वो कम हो गई है दो हज़ार सत्रह सोलह सत्रह की अपेक्षा तो ठीक है यहाँ पर कंपेरिजन पूछ दिया अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टार्टमेंट गिवेन एबव आर इज करेक्ट इसमें से कितने जो स्टार्टमेंट हैं करेक्ट है उसको बताना है ठीक, ठीक है ना देखिए जब भी एक कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा उस समय का टाइम इस देखना पड़ेगा कि क्या पीरियड चल रहा है कौन सा पीरियड चल रहा है तो हम सबको मालूम है कि भारत एक ए कल्चर देश है ठीक है ना विदाउट एग्री कल्चर भारत कभी सर्वाइव नहीं कर सकता है अगर भारत के एक कल्चर हाउस होल्डर का ही हाउस होल्ड का ही अगर इनकम कम हो जाएगी तो ए कल्चर से प्लान करेंगे छोड़ेंगे ठीक है ना तो सरकार उसके लिए दिन ब दिन कुछ ना कुछ कुछ न योजनाएं लाती रहती है और सबसे बड़ी विपदा जो आई थी कोरोना कोरोना एक साल लेके आया कि एक कल्चर ही सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी साबित हुआ देश को स्टेबलाइज करने में ठीक है ना तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दोनों एक गलत है और गलत इसलिए कि दोनों उल्टा बोल रहे हैं ठीक है ना दो हज़ार इक्कीस और बाईस का देखेंगे तो बढ़ गया है ठीक ये जो नन एग्रीकल्चर है उनका इनकम कम है उसी तरह से देखेंगे दो हज़ार सत्रह सोलह से और इक्कीस के बीच का कंपेयर जो किया गया है तो सोलह और सत्रह से से बढ़ा है ठीक है न इनकम बढ़ी है ठीक तो आपको इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है ठीक इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो और क्लियरटी आ जाएगी जिसमें रिपोर्ट के द्वारा दिया गया है कि सर्वे हुआ था उस रिपोर्ट में मिला है तो क्या क्या मिला है देखते हैं ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूशन सर्वे तो इसको याद कर लीजिए ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंस्क्लूसन सर्वे फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू तक ठीक तो इस इस सर्वे को याद कर लीजिए आप मेंस में इसको कोट करके लिख सकते हैं आप जब भी ये कल्चर आप इस में भी लिख सकते हैं ठीक ना तो ये फाउंड किया गया है कि इसमें ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इक्वेशन सर्वे जो दो हज़ार इक्कीस बाईस का है उसमें यह बोला गया तो संतावन परसेंट रूरल रु, हाउस होल्ड ग्रामीण हाउस होल्ड जो हैं कंट्री में जिसमें हाउस होल्ड को क्या है सेमी अर्बन को भी सेंटर विद द पॉपुलेशन लेस देन पचास पचास हजार वेयर द एग्रीकल्चर दिस वॉज सिग्निफिक हायर देन द फोर्टी फाइव परसेंटेज रिपोर्ट इन प्रीवियसली सर्वे ऑफ 2016 से 17 तो 2016 और 17 का जो रिपोर्ट है उसमें बोला क्या है? 48 है। गया है कि ठीक है ना तो हाइयर हो गए फोर्टी एट परसेंट प्रिवेशन यानी 2016-17 से 2021 में आने पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है तो 48 परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया है सोचिए हाइयर हो गए अब यहां पर सर्वे जो को जो सर्वे किया गया था ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इक्वेशन सर्वे फार दो हज़ार इक्कीस और बाइस का एक इस कमिश्नाइज बाइक किसके क्या था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा किया गया था किसके द्वारा तो नाबार्ड तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी नाबार्ड का इस समय का प्रजेंट में कौन डायरेक्टर है ठीक है ना ये दो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए नाबार्ड का काम ही क्या है तो नाबार्ड का काम है एग्रीकल्चर में लोन देना ठीक है ना डिफाइन द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड वन ऑफ द फर्स्ट क्या है तो रिपोर्ट टोटली वैल्यू प्रोड्यूज फ्रॉम द फार्मिंग एक्सीडिंग छः हजार पाँच सौ बी कल्टिवेशन फील्ड एंड हॉर्टीकल्चर कॉल लाइव स्टॉक एंड पोट्री रियरिंग एंड एक्वाइटिक कल्चर सेम ये सेरीकल्चर सेरीकल्चर किसको बोलते हैं तो सेरिकल्चर यहाँ पर कई बार पूछा गया है आपका साइंस में जब पढ़ते हैं तो साइंस में पूछा जाता है सेरिकल्चर में क्या होता है तो सेरिकल्चर में आपका कमेंट करके बताइए एप्रीकल्चर में अंगूर की होती है अंगूर की खेती होती है सेरिकल्चर में आप सिल्क की खेती होती है सिल्क ठीक ना हैड ए लिस्ट वन मेंबर हु है हु वॉज सेल्फ इंप्लाइंग इन द सच एक्टिविटी ड्यूरिंग द रिफरेंस ईयर 2000 जुलाई से कई से ले लेकर जून 2022 तक 2016 हजार सर्वे द थ्रेश थ्रेश होल्ड कट ऑफ वैल्यू प्रोड्यूज वाज पाँच हज़ार था ठीक ना तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इस तरह से देखा जाए तो ऑल इंडिया एवरेज मंथली इनकम एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो है इंक्रीज हो गई है कितना हो गया तो तेरह सौ तेरह हजार छह सौ साठ इकसठ रुपया इन दो हजार इक्कीस और बाईस वाज मोर देन द्यारह हजार तीन चार सौ थर्टी एट फाइव नन एग्रीकल्चर हाउस तो यहाँ पर क्या पहले अब दो हज़ार पहले का जो उस समय का जो नन एग्रीकल्चर रूरल हाउस होल्ड है उनका इनकम जो है एवरेज इनकम ग ग्यारह हज़ार है यहाँ पर सीधे तेरह हज़ार ठीक है ना तो ये इंक्रीमेंट हो दिखाई दे रहा है इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और यहाँ पर इन द एग्रीकल्चर की बात करें विदिन द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कंट्रीब्यूशन और कल्टिवेशन एनिमल हस्बेंड्री ठीक टोटल इनकम ओवर द फोर्टी फाइव परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट क्या है? हुआ कितना दो हज़ार इक्कीस और बाईस में फ्राम द फोर्टी थ्री पॉइंट वन परसेंट दो हज़ार सोलह और सत्रह तो फोर्टी फाइव परसेंट ठीक है टोटल इनकम वाज ओवर एंड टोटल इनकम का कितना टोटल इनकम फोर्टी फाइव परसेंट ज़्यादा हो गया है

ठीक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया हैडेड एडेड 15 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इन 2023 से 2024 ब्रिंगिंग द टोटल टू 90.8 पॉइंट एट गीगा वाट बाई सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी यहाँ पर पहला स्टार्टमेंट बोला है कि इंडिया ऐड कर रहा है कितना 15 गीगा वाट सोलर कैपेसिटी दो हज़ार में ठीक और इसका टोटल कितना करना है तो सितंबर 2024 तक तो करना है 90 गीगा वाट ठीक ना इंडिया एम टू अचीव द फाइव फाइव हंड्रेड गिगावाट टारगेट बाय टू थाउजेंड फोर्टिया दो हज़ार चालीस तक पचास पाँच सौ गिगावाट का इसका टारगेट है इंडिया का मैक्सिमम नेक्स्ट स्टेटमेंट मैक्सिमम सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूशन इज प्रोवाइड बाय द ग्रिड कंटेक्ट सोलर रूपटॉप तो सोलर रूपटॉप के द्वारा ग्रिड का जो जो सोलर रूपटॉप बनाया जा रहा है उसके द्वारा मैक्सिमम एनर्जी सोलर एनर्जी में कंट्रीब्यूट किया जाएगा ठीक तो इसमें से कितने स्टार्टमेंट सही है ये पूछा गया है तो आप बताइए कितना स्टार्टमेंट सही है अगर आप इसमें से केवल एक सही है ठीक बाकी सब गलत है इसको तो 2030 हज़ार तक टारगेट है कितना 2030 तक टारगेट है ठीक ना तो इसमें कौन सी ओनली सी करेक्ट है ओनली वन इज करेक्ट ठीक ना तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका एक्सप्लेन से आपको और क्लियर हो जाएगा और पॉइंट मिल जाएगा जो आपके करंट अफेयर की तैयारी में लाभ देगा तो पॉइंट को नोट भी करते रहिए मैं यही कहूँगा कि जब आप यहाँ से ये कंप्लीट करें पाँच क्वेश्चन तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए ठीक ना इसका एक्सप्लेन देखते हैं इंडिया एम्बीशन गोल फॉर फा स्टारलिंग फाइव हंड्रेड गीगावाट रिन्यूबल एनर्जी कैपेसिटी बाई टू थाउजेंड थर्टी यानी दो हजार तीस तक का इंडिया का एम्बीसन है टारगेट है पाँच सौ गीगावाट का रिनूबल एनर्जी अपनी कैपेसिटी करने का ठीक अब तो इसके लिए क्या किया जाएगा तो इसके लिए आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर इंपोर्ट किए जाएंगे सोलर इक्विपमेंट तो वो भी तीस बिलियन का पूछा जाएगा कि सोलर इक्विपमेंट कहाँ से ज़्यादा लिया जाता है तो, तो चाइनीज गुड्स ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव साइड ठीक ना तो जो चाइना का गुड्स एंड ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट इनिस्ट्यू, इनिस्ट्यू, इंस्टीट्यूट है उसने बोला है कि इसके लिए सर इसके लिए इंडिया को कितना करना पड़ेगा तो सोलर इक्विपमेंट तीस बिलियन का ठीक ना बीस बिलियन का इन्वेस्ट करना पड़ेगा सीधे सीधे डॉलर में बिलियन ठीक ये पहला स्टार्टमेंट सेकेंड स्टार्टमेंट इनकरेक्ट क्योंकि वहाँ पर दो हज़ार चालीस दिया है द थिंक टैंक है जे इम्पीसाइज दैट नीड फॉर इंडिया टू डेवलप द सेल्फ रिलायंस सोलर मैन्युफैक्चरिंग अब यहाँ पर थिंक इंडिया का थिंक टैंक बोल रहा है कि भैया हम आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर का तो मूवी चला है इंडिया में ठीक ना अब कुछ नहीं होगा आत्मनिर्भर बनी नहीं पाएगा वास्तव में तो इंडिया इतना करप्शन है ठीक एक तो फ़ोन तो बना ही नहीं पाते हैं और क्या बनाएंगे ठीक ना तो सिर्फ बस पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है इको सिस्टम पार्टिकुलरली की एरिया सच है सिल्कन एंड वेफर पॉल्यूशन प्रोडक्शन पॉल्यूशन है प्रोडक्शन ठीक इंडिया हैड एडेड पंद्रह गीगावाट सोलर कैपेसिटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ब्रिंगिंग द टोटल नाइन्टी डिग्री नाइन्टी पॉइंट एट गीगाट बाय सिग्निफिकेंट इंक्रीज द टू पॉइंट एट गीगाट टू थाउजेंड चौदह टू थाउजेंड चौदह दो हज़ार चौदह से केवल टू पॉइंट फाइव अब सोचिए टू दो हज़ार चौदह से केवल टू पॉइंट एट गिगावाट का इंक्रीमेंट किया गया है दो हज़ार चौबीस में कितना साल दस साल के बाद ठीक अब ये बोल रहे हैं कि भैया हम तो कर देंगे भगवान जाने अल्लाह जाने ठीक है ना फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट पॉलिसी ये बनाना है ना बस बनाते रहो बढ़िया बढ़िया पॉलिसी देखने में अच्छा सरकार तो यही करती है कि ऐसा पॉलिसी बनाओ आज लग वही फेमस हैं जो लोग आइडियल बात करते हैं बस प्रैक्टिकल बात कोई नहीं करता है प्रैक्टिकल में क्या होना वो कोई नहीं बात करता है आइडियल ऐसा बात करो कि वो दिखने में सुंदर लगे सुनने में सुंदर लगे लेकिन कुछ कोई उसको अचीव ही ना कर पाए ठीक ना बस सब वही फेमस है 2023-24 इंडिया इंपोर्ट सोलर इक्विपमेंट सेवन बिलियन डॉलर का सोच लीजिए विथ चाइना सप्लाई दिक्सटी टू पॉइंट सिक्स तो बासठ का केवल चाइना कर रहा है तो सोच लीजिए चाइना कितना इंडिया में इम्पोर्ट बढ़ रहा है चाइना डोमिनेट ग्लोबल सोलर मैनुफैक्चरिंग सोचिए चाइना जब ग्लोबली जब कर रहा है सोलर मैनुफैक्चरिंग को डोमिनेट कर रहा है तो इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा <laughs> नेता कैसे कमाएंगे बिजनेस कैसे करेगा बिजनेस कैसे करेगा ठीक ना एक तो यूनिवर्सिटी सही से बना लें स्कूल तो बना ही नहीं पा रहे हैं और क्या आत्मनिर्भर बने कंट्रोल नाइन्टी सेवन परसेंटेज ऑफ पोली सिल्कन प्रोडक्शन एंड एक... अच्छी परसेंटेज आप सोलर मॉड्यूल में कि द चैलेंड फॉर अदर कंट्री टू कंप्लीट तो, तो, तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट आपको जानने चाहिए कि यहाँ पर यह कि चाइना सप्लाई जो कर रहा है उसका सिक्सटी टू पोचा है ग्लोबली सबसे ज़्यादा कर रहा है और ये ग्लोबली रूप से डोमिनेट कर रहा है सोलर पावर कम्युनिटेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स तो यहाँ पर क्या क्या डिफरेंट सोर्स है सोलर पावर के लिए जो कि नब्बे पॉइंट सेवन गीगावाट ग्राउंड माउंटेन सोलर प्लांट जो कि सत्तर गीगावाट के आसपास है ठीक है ना तो यहाँ पर ये थर्ड स्टार्टमेंट इसीलिए करेक्ट था ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूपटॉप चौदह पॉइंट थ्री की आपको याद होना चाहिए सबसे ज़्यादा क्या है द तो ग्राउंड माउंटेन ठीक है ना सबसे ज़्यादा चौदह और उसके बाद ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूपटॉप है फिर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है जो कि टू पॉइंट एट ये क्रम दे देगा परीक्षा में पूछ देगा आप ग्रिड सोलर पॉइंट थ्री पॉइंट ठीक है ना तो आप ग्रिड थर्ड नंबर पर आ जाएगा ना ठीक है ना तो ये आपको इसका क्रम आना चाहिए क्रम पूछ देगा बस कहानी खत्म ग्रिड कनेक्शन बस दूसरा नंबर पर इतना याद करेंगे पहला पर माउंटेन याद कर हिमालय पर्वत सबसे ऊपर है ठीक है इतना बस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट पर एग्रो फॉरेस्ट ट्री सिस्टम कौन सा सिस्टम एग्रो फॉरेस्ट सिस्टम एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रो मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री मान फॉरेस्ट सिस्टम यानी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट मिक्स जो सिस्टम बन रहा है उसके बारे में तो ये क्या बोल रहा है कि इंप्रूव द माइक्रो क्लाइमेट इंक्रीज द सर्फेस्ट रन ऑफ इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट इन दोइल न्यूट्रेंस इंक्रीज इन इपरेशन ऑफ द सोयल मॉइस्चर ई ऑफ सोयल मॉइस्चर थ्रू द मल्चिंग एंड साइडिंग ठीक इसमें से कितने स्टार्टमेंट करेक्ट हैं ये बताना है ठीक ना तो थोड़ा भी अगर आप जानते हो कि एग्र जो है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का मतलब क्या इसमें बहुत बड़े ऐसा एगल्चर वहीं किया जाएगा ना जहाँ पर बड़े पेड़ ना हो छोटे छोटे पेड़ों का बात कर रहा है यानी कि बहुत जंगल हो उसमें नहीं तो ये दोनों का मिक्स करके किया जाएगा तो आप ये खुद सोचिए कि जहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे वहाँ पर क्या होगा जहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे क्या वहाँ वेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा सॉइल का वो छाव देंगे तो छाँव देंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर वेपरेशन कब ज़्यादा होगा जब वहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है तो इसलिए यहाँ पर पेड़ लगने से क्या होगा कि वापरेशन क्या होगा रिड्यूज होगा ठीक तो इसलिए क्या है इनकरेक्ट इसको इम्प्रूव द सॉइल न्यूट्रंस जाहिर सी बात है अगर आप पेड़ लगाए चारों तरफ आप ठीक आप, आप, ना आप वहाँ पे कल्चर होता तो है इम्प्रूव तो सॉइल बनेगा सॉइल न्यूट्रंस वहाँ पर बढ़ेगा ठीक इंक्रीज द रन सरफेस रन ऑफ अपंक्रीज कैसे होगा वहाँ पर कैसे रन ऑफ इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज होगा ठीक ना तो ये भी इनकरेक्ट इंप्रूव द माइक्रो क्लाइमेट माइक्रो क्लाइमेट इम्प्रूव होगा ठीक ना तो आप पेड़ को थोड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में इंक्लूड कर दीजिए एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट आपको पर उत्तर आपको मिल जाएगा जाएगा तो यहाँ one three is correct. तो पर पर और 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 में थी, करेक्ट. अब देख लेंगे आपका और आ ठीक जो है उसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है तो एग्रो फॉरेस्ट क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री यहाँ पर पहले डिफाइन कर दिया गया कि डिफाइन क्या है तो कल्टिवेशन एंड यू द ट्री एंड सरफ विथ कॉर्प यानी ट्री और श्रब को कॉर्प के साथ और लाइव लाइव स्टॉक के साथ इन द एग्रीकल्चर सिस्टम तो ये कल्टीवेशन जब होगा क्या करने के लिए तो ऐसा कल्टीवेशन जहाँ पर ट्री का यूज हो रहा है श्रब का यूज हो रहा है किसका था क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक ठीक तो तो वहाँ की बात कर उस, को उस सिस्टम को बोल रहा है उस एग्रीकल्चर सिस्टम को बोला जा रहा है ए फॉरेस्ट इसका एम क्या है अचीव द मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप सोचिए वहीं पर लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल भी उसी में है उसी में कॉर्प भी है यानी हड़प्पा टाइम में चला जा रहा है अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा टाइम में ऐसे हो जाता ठीक है ना हुँ? समझ रहे हैं न्यूलिथिक पीरियड भी देख सकते हैं उस समय भी इसी तरह से चलता था कि कर्प, कर्प, कर्प से जो फसल उगाते थे फसल के बाद वो लाइफ स्टॉक पालना शुरू किए जिस तरह से कल्चर और पशुपालन का जो रिवाज सिस्टम शुरुआत हुआ आप उसको मेमोराइज़ करेंगे उसको ध्यान देंगे तो आपका यहाँ पर भी समझने में आसानी होगी ठीक ना <coughs> ठीक यहाँ पर क्या है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना उसको भी अचीव करना सोशल सोशली प्रोडक्टिव आउट ऑफ फ्रॉम लैंड देन पॉसिबल थ्रू द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की बात हो रही है यहाँ पर ठीक है ना एग्रो फॉरेस्ट फॉरेस्ट्री पॉजिटिव इंट्रेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट इज आल्सो नो सोशल फॉरेस्ट्री इसको सोशल फॉरेस्ट्री के साथ भी इसको अगर देखा जाए तो देखा जा सकता है समझा जा सकता है ठीक है ना इन्वॉल्व द राइजिंग द ट्री एग्रीकल्चर कॉर्फ आइदर द सेम लैंड

आप खुद होते चलो तो आप छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे सब कुछ करेंगे तो आपको फॉरेस्ट पर जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाए इंप्रूव द न्यूट्रिशन साइकिल बाय द साइड डीप रूट प्लांट डीप रूट प्लांट होगा पेड़ का तो होता ही है उससे क्या होगा न्यूट्रेशन साइकिल इंप्रूव होगा इंप्रूव द प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम जाए से बात है रेड्यू यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर फॉरेस्ट मतलब एक इन्वायरमेंट इकोनॉमी और इन्वायरमेंट का मिक्स हो गया है ठीक ना ऐसा एग्रीकल्चर की बात हो रही है इंप्रूव द प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम रिड्यू रन ऑफ सरफेस सरफेस का कटाव रुक जाएगा सबको मालूम पेड़ लगने से क्या होता है न्यूट्रेंस लीचिंग न्यूट्रेंस लीचिंग एंड द रोजन अब्सट्रैक्ट बाय द प्रोसेस विथ द ट्री रूट एंड स्टीम ठीक इम्प्रूव द माइक्रो क्लाइमेट सच लोअरिंग सॉइल सरफेस टेम्परेचर रिड्यूज देशन ऑफ द सॉयल मॉइस्चर बाय द कम्बाइनेशन ऑफ द मल्चिंग एंड सोइंग ठीक वन स्टार्टमेंट करेक्ट है एंड फोर इज नॉट करेक्ट ठीक और यहाँ पर इंक्रीज सॉइल न्यूट्रेंस लेवल थ्रू द लिटिल लिटरल एडिशन ब्रेक डाउन थर्ड स्टार्टमेंट इम्प्रूव कंट्रीब्यूशन एडिशनल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डिग्रेट लिटरल ठीक यहाँ पर डी इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ठीक विथ रेफरेंस टू इंडेक्शन इंडेक्सटेशन इसको क्या पढ़ेंगे इंडेक्सटेशन कंसिडर फॉलोइंग स्टार्टमेंट पहला स्टेटमेंट क्या है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द ओरिजिनल परचेजिंग पर प्राइस परचेज प्राइस जो है उसको एडजस्ट करने के बाद कर रहा है किसका एसेट ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन पर जो इंपैक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको एडजस्ट किया जाएगा क्या उसके ओरिजिनल परचेज किया उस प्राइस में ठीक परचेजिंग प्राइज ओरिजिनल कोई भी वस्तु खा जाता है ओरिजिनल परचेज प्राइवेज होती है ठीक ना तो उसी को बोल रहा है कि एडजस्ट कर देंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगा उसको न्यूट्रलाइज़ किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात हो रही है यूनियन बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ऑफ़ ट्वेंटी फाइव रिमूव द इंडेक्सटेशन बेनिफिट अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गैंग एन द गोल्ड ठीक तो इसमें से कौन कौन सा स्टार्टमेंट विच ऑफ द फॉल्ट ऑफ स्टार्टमेंट गिवेन एबल आर करेक्ट इसमें से कौन कौन सा बताना है वन टू थ्री का क्या है वन टू एंड डी का क्या है नाइदर वन नाइदर टू तो आप लोग बताइए ठीक तो इसमें आपका पहला स्टार्टमेंट भी चाहिए सेकेंड स्टार्टमेंट चाहिए और इसका यूनियन बजट में जो हम फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गैंग टैक्स लेकर आया था ठीक ना और उस तो, उस बाद में उसको बैक भी कर दिया जो कि प्रेजेंट टाइम में टू पॉइंट फाइव है परसेंटेज है और इसमें और इसका काम ही होता है इंडेक्सटेशन का काम होता है कि, कि किसी भी ओरिजिनल जो प्राइज है परचेज़ करने का कोई असेट हो या इन्वेस्ट कुल मिला के यहाँ पर लेके आया जो तो कैपिटल लाएंगे तो वहीं से ये न्यूज़ में आया था ठीक ना तो एक इन्वेस्टमेंट में भी आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं आप ठीक तो इन्वेस्ट कुछ पीरियड तक तो होल्ड करते हैं तो आपका लाभ उसका प्रॉफिट मिलता है ठीक ना तो उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन को का इम्पैक्ट को न्यूट्राइज करने के लिए इसको एडजस्टिंग लेके आए इंडिस्टेक्शन लेके आया गया था जो कि बाद में हटा लिया क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गैंग से हटा लिया गया था जिसका ठीक है ना तो यहाँ पर दो सी इज करेक्ट ऑप्शन यानी वन और टू दोनों ही करेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ठीक न, तो है ना तो एक्सप्लेनेशन में आइए थोड़ा लंबा वीडियो हो गया तो आप एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा कोई बहुत बड़ा नहीं वही चीज़ है जो बार बार न्यूज़पेपर करंट अफेयर इकोनॉमी पढ़ते रहते हैं तो चलिए थैंक यू धन्यवाद और अगर पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक like, यूट्यूब की फैमिली बढ़ाइए बहुत छोटी है ठीक है ना बढ़ जाए थोड़ा तो कुछ थ्रकिंग तो किया जाए मज़ा आ जाए ऐसा किया जाए कि यूट्यूब पर कभी वैसा हुआ ना हो ठीक है चलिए धन्यवाद